आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार संतोष पवार साहब आज अपना उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं? दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार जो है बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया गया है, ऐसी चुनौती उनके सामने आपकी रहेगी? नमस्कार, मैं संतोष पवार, आप जानते हैं 251 विधानसभा मतदार संघ वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। लास्ट 10 साल से जो शहरी भाग है, जहाँ खासकर लेके हदवाड़ पट्टा जिसको बोलते हैं, जिसमें कॉरपोरेशन का कंट्रोल है, उस एरिया में आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी बेसिक नीड्स के लिए लोगों को झगड़ना पड़ता है। जैसे कि खास करके नई जिंदगी एरिया हो, ऐसाई नगर हो, नीलम नगर हो, या जो भी हदवाड़ पट्टा है, वहाँ पे बेसिक नीड्स एंड रोड, ड्रेनेज, लाइट्स, इस चीज़ों के लिए भी आज लोगों को झगड़ना पड़ता है। कॉरपोरेशन लाखों की तादाद में पैसा जमा करती है, 300-350 करोड़ जमा करती है, उससे इन लोग क्या ओनली उनका एम्प्लॉय का सैलरी करते हैं क्या? डेवलपमेंट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो पकड़ नहीं रही है प्रशासन पर, यहाँ के प्रतिनिधि की और प्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। बट इस बार बदलाव आएगा, 100% आएगा। हर जाति धर्म के लोग, हर वंचित लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजल्ट ओरिएंटल 23 तारीख को पॉजिटिव आएगा। कहा जाता है कि सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 17 से 18 वार्ड आते हैं शहरी विभाग के, जहां पर जो है हदवाड़ एरिया को सिटी में समावेश करने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड का सबसे बड़ा इश्यू है, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड आज तक वहां की जनता को मिल नहीं पाए। क्या वो एक अहम मुद्दा आपके साथ सामने रहेगा और जनता के बीच में क्या संदेश लेकर जाएंगे? जरूर जरूर, वो चीज़ ऐसी है कि वहाँ पे कॉरपोरेशन हर एक चीज़ का टैक्स लेते हैं, तो उनके पास उनको प्रॉपर्टी कार्ड देना काम है, या तो आप टैक्स मत लो उनसे। अगर आप फैसिलिटी नहीं देना चाहते हो, अगर प्रॉपर्टी कार्ड नहीं जानते हो, तो उसके हिसाब से टैक्स नहीं देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हैं, उसका मुद्दा हम जरूर उठाएंगे, उसके लिए लीगल फॉर्म बटा के जो भी सोल्यूशन पहुँचने वो निकालेंगे। कहा जा रहा है कि महायुति सरकार की ओर से जो है सुभाष बापू ने जो है बहुत सारा विकास काम वहाँ पर किया है, वो जनता के बीच अपना विकास काम लेकर जाएंगे, लेकिन आप ऐसा कौन सा एजेंडे लेकर जो है जनता के बीच में जाने वाले? विकास काम है तो बात कराए, जनता से मीटिंग कराए, 1-to-1 कराए, देखा है विकास काम कहाँ पे किया है, और जो काम पड़ा हुआ है वो कौन करेगा? वो भी जिम्मेदारी है ना। ठराविक एक स्पेसिफिक एरिया का विकास करने के बाद पूरे जिले का और या पूरे तालुका का विकास नहीं होता। आप दिखा है, पड़े हुए हैं काम बहुत सारे, दिखा सकते हैं हम लोग, और हमारे पास एजेंडा है, मेरे पास ब्लू प्रिंट है, आगे 25 साल सोलापुर कहाँ तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ पे वेजिटेबल मार्केट होना चाहिए, कहाँ नॉनवेज मार्केट होना चाहिए, बस स्टैंड कहाँ होना चाहिए, ड्रेनेज कैसे होने चाहिए, उसके डिवाइडेशन कैसे होने चाहिए, सब मेरे पास। पहला उम्मीदवार मैं शायद रहूंगा जिसके पास ब्लूप्रिंट है, मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूं। बताया जाता है कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संख्या जो है धनगर समाज की बताई जाती है, उसके बाद जो है मुस्लिम समाज की बताई जाती है, लेकिन ये दोनों समाज जो है अपने आरक्षण की मांग को लेकर कई बार प्रशासन के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई बात सुन नहीं पाया। क्या होता है, इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहता आरक्षण के मुद्दे पर, बट ये चीज़ है, खाली इन लोगों को आश्वासन दिया जाएगा आखिर तक। अभी जिस हालात में ये सब चल रहे हैं, हम लोग पहले सोलापुर की सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। थैंक यू। यानी कि आप विकास को लेकर से जनता के बीच में जाए? दैट्स इट। मैं जाति धर्म से आगे हूँ, मैं मेरी जात सोलापुर है, मेरा ब्लड सोलापुर है, और मैं सबको ये आह्वान करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे है इसलिए हमारी जात है, पर हम जहाँ पे रह रहे हैं वो पहले है, यानी सोलापुर, वो सबके ब्लड में होना चाहिए, पहले सोलापुर बाद सबके सब कुछ। तो ये थे हमारे साथ संतोष पवार साहब, जिन्होंने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जो है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, वो आने वाले समय में जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर ही सामने जाएंगे। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए जय हिंद।